नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं एक और नया वीडियो अपने टूरग्राम चैनल पर। इसमें हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं एक और होटल जिसका नाम है होटल ताज क्राउन पैलेस, जो है सिर्फ मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर। बिना किसी देरी के लेके चलते हैं आपको होटल के अंदर। आपको होटल के अंदर एंट्रेंस करते ही कि आपको रिसेप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर काउच दिए गए हैं, सोफे दिए गए हैं बैठने के लिए गेस्ट के लिए वेटिंग हॉल में। ये आप रिसेप्शन देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। और बहुत ही यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया, काफ़ी डेकोरेटेड लगता है। ऊपर देख सकते हो आप झूमर वगैरह का यूज़ किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले एंटर करते ही ये रेस्टोरेंट का गेट हो जाता है और ये अंदर ये गैलरी दी हुई है जो हमें होटल के अंदर लेके जाती है। सबसे पहले लेके चलते हैं हम होटल के रेस्टोरेंट में, जो यहाँ पर रिसेप्शन पे एंटर करते हैं यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट का एंट्रेंस मिल जाता है। और आप ये देख सकते हो पूरा यहाँ पर किस तरह से डेकोरेट किया गया, गोल्डन कलर का थीम ले रखा हुआ है इन्होंने जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। और ये सोफे वगैरह यूज़ किए हुए हैं, चेयर वगैरह का कोई यूज़ नहीं है। ये देख लीजिए एक बार, बता दीजिए, सारी चीज़ें देख लेते हैं फिर लिखते हैं। इसमें टर्किश ब्लू कलर का थीम दे रखा है ये चेयर्स का, सोफे का। और ये देख सकते हो आप, ये नैपकिन्स का ये क्या बनाया हुआ है इन्होंने, बिशप कैप, ये क्या कहते हैं सर, सर से बात कर लेते हैं इसके बारे में। इधर आ जाते हैं, क्या नाम है सर आपका, गुड नेम क्या है सर? बंटू। ये बंटू जी, ये बंटू जी हैं यहाँ पर। ये क्या चीज इस तरह से मैनेज की हुई, क्या बोलते हैं इसको? ये सर इसे बोलते हैं बिशप कैप। बिशप कैप, बिशप कैप बोलते हैं इसका। अच्छा, ये हमारे रेस्टोरेंट पे काफी स्पेस देख सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पर। अगर आप पूरी फैमिली के साथ आ रहे हो, कुछ पार्टी वगैरह करना चाह रहे हो, तो आराम से आपका मैनेज हो सकता है इसमें। किस मतलब हमारे यहाँ कैसा मेन्यू है यहाँ पर, नॉन वेज वेज किस तरह का रखते हो? हमारे यहाँ नॉन वेज वेज दोनों मेन्यू है। तो आपको अगर यहाँ पर आप नॉन वेज के शौकीन हो तो आपको यहाँ पर नॉन वेज का भी आनंद ले सकते हो। वेजिटेरियन तो मिलता ही मिलता है, दोनों तरह की चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको खाने के लिए। चलिए अब आपको लेके चलते हैं होटल के अंदर, जहाँ हम लोग बात करेंगे और चीजों के बारे में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग बाहर जा रहे थे, तो ये देख सकते हैं यहाँ बफे का भी प्रोग्राम रहता है। अगर बफे वगैरह का भी आप आनंद ले सकते हो, अगर ऑर्डर दे सकते हो बफे का या मेन्यू का, किसी हिसाब से आप मैनेज करा सकते हो अपनी चीज़ों को। तो ये बफे लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर प्लेट्स वगैरह दी हुई हैं और यहाँ सोफे वगैरह को मैनेज कर दिया जाता है और सारी चीज़ें आप मैनेज देख सकते, अपना यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो अपने फूड को। चलिए लेके चलते हैं आपको रूम की तरफ। रूम इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर दिए गए हैं। और वैसे देखो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर लिफ्ट की भी सुविधा दी हुई है, लेकिन अभी हम लोग देखने वाले रूम सीढ़ियों से चढ़ने वाले हैं, तो पहले चलते हैं ऊपर सीढ़ियों से। हम आ चुके हैं यहाँ पे होटल के फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ हम सर के साथ रूम देखने वाले। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कटारा जी। विकास कटारा, तो विकास कटारा जी हमें सभी रूम्स को एक एक करके चेकआउट करेंगे और हम लोग देखते हैं साथ में। सबसे पहले हम लोग रूम देखने वाले हैं, नीचे से स्टार्ट करेंगे हमें सभी रूम्स के बारे में। तो सर अभी ये रूम देखने वाले हम लोग। हाँ सर, तो ये 203, चलो इसके अंदर चलते हैं, कैसा रहता है ये। तो ये रूम देख सकते हो आप, इसमें पहले एक बार पूरा कैमरा का घुमा दीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसमें एक एक सारी चीजें इसके बारे में। ठीक है, अभी ये देखो आप, इसमें कम से कम 12 इंच का मैट्रेस दिया हुआ है और काफ़ी इसका काफ़ी अच्छा लगता है ये सारा, इसमें फील आ रहा है आपको बैठने में। और ये देख सकते हो आप, स्मार्ट टीवी दी हुई है यहाँ और ये कुछ स्पेस वगैरह सामान वगैरह रखने के लिए। और ये हमारा शायद बालकनी हो जाता है विकास जी? नहीं नहीं, बालकनी नहीं है, विंडो व्यू है बस। बालकनी विंडो व्यू मिल जाता है आपको इस रूम में यहाँ से, ठीक है। और ये मुझे सबसे पसंद आया इसमें यहाँ पर बेड, और ये क्रोम की जो फिनिशिंग वाली जो लाइट दिखा देते हैं आपको, ये काफ़ी अच्छी लगी इसमें हमें। और ये काउच दिया गया है बैठने के लिए, यहाँ पर भी आपको काउच वगैरह मिल जाता है। और अब इधर अंदर आ जाते हैं, वॉशरूम वगैरह देख लेते हैं इसका। ये कुछ कवर दिए गए हैं यहाँ पर, आप अपना सामान देख सकते हो। और ये एक मिरर दिया गया है, यहाँ पर ड्रेसिंग वगैरह आप लोग अपना बना सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ये बाथरूम देख लीजिए, इसका बाथरूम दिखा देते हैं यहाँ पर। और सारी ही चीज़ें यहाँ पर सील्ड मिलेंगी, प्रॉपर सैनिटाइज हो रखा है सब कुछ यहाँ पर। शावर मिल जाएगा आपको, वेस्टर्न सीट मिल जाती है देखने के लिए। एक बार अंदर से दिखा दीजिए इसको।
आपको एक दूसरे रूम में सबसे पहले यहाँ सर मिल जाते हैं। सर बच्चे को वॉक करा रहे होते हैं, ये बच्चा रो रहा था सर का। सर कैसा लगा सर आपको यहाँ पे रूम में? बहुत बढ़िया लगा आपको रूम का। तो देखिए सर से बात करी हमने, सर को अच्छा लगा यहाँ पर। तो सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए आप रूम की तरफ चलते हैं हम लोग। और इसमें भी आपको पहले एक बार इसका वीडियो में वीडियो वीरोल बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसके चीजों को लेके। तो ये रूम देख लीजिए आप, बहुत बड़ा रूम है यहाँ पे सर। ये विकास जी कौन सी कैटेगरी का रूम है? ये हमारा सेकंड कैटेगरी का रूम है। अभी इससे पहले हमने देखा वो कौन सी कैटेगरी? वो हमारी थर्ड कैटेगरी का बेस था वो। अच्छा वो बेस? हाँ डीलक्स था वो डीलक्स रूम था। हाँ और ये हमारा हो जाता है एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव रूम हो जाता है। तो इसमें ये देख लीजिए यहाँ पर बड़ा सोफा दिया हुआ है, आप लोग अपना बैठ के बातचीत कर सकते हो। और ये बेड देख लीजिए, इसमें भी सेम मैट्रेस यूज हुआ है जो अभी हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। यहाँ भी ये भी आपको कंफर्टेबल फील कराएगा पूरा। यहाँ पर ये स्मार्ट टीवी दिया गया है। और ये आप अगर कुछ ये कॉम्प्लीमेंट्री रहता है गेस्ट के लिए, हमारे के लिए पानी की बोतल भी रहती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जितना भी रहता है गेस्ट के लिए रहता है। ये देख लीजिए। और ये कवर्ड वगैरह हो जाती है ये चीज़ें। और ये अगर आप कुछ लैपटॉप वगैरह छोटी मोटी अगर कुछ काम वर्क करना है आपको, स्टडी टेबल है अपनी, हाँ तो ये सारी चीज़ें भी आपको इधर मिल जाएंगी। और काफ़ी बड़ा रूम है, उससे काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। और चलिए इसको देख लेते हैं। ये मिरर दिया गया है यहाँ पर ड्रेसिंग करने के लिए, आप यहाँ अपना ड्रेसअप कर सकते हो। और इसका वो बाथरूम देख लेते हैं एक बार हम लोग। अरे वाह, इसका बाथरूम काफ़ी बड़ा है, ये पूरा ही रूम की तरह किया गया है जैसे ब्लैंक्स है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ये रूम्स की थोड़ा सो बाथरूम की शोभा बढ़ा रहा है। और ये देख लीजिए टब, आप अगर देखो टब हर कहीं आपको किसी भी होटल में मोस्टली नहीं मिलते हैं, तो आप ये टब का भी आनंद ले सकते हो। इसमें आप नहा सकते हो और प्रॉपर ये इसमें भी आपको वेस्टर्न सीट वगैरह तो कॉमन सी चीज़ें सब जगह मिल जाती है। बड़ा सा मिरर देख सकते हो और शावर वगैरह ये सारी चीज़ें। और कुछ छूट रही है, मैं इसमें कुछ बता नहीं पा रहा हूँ कुछ चीज़ें। और मैं कुछ ये नई चीज़ें देख रहा हूँ यहाँ पे, गीजर नहीं है, ये कुछ नया टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। ये क्या चीज़ है विकास जी, ये क्या चीज़ है? ये अपना रेड डॉट है, ये तो हॉट वाटर के लिए है, गीजर नहीं है, पूरा प्लांट है हमारा। अच्छा। इसका भी प्लांट है, इसका भी प्लांट है, ठीक है। और ये ब्लू वाली की तरफ नॉर्मल पानी देकर नॉर्मल। अच्छा तो इस होटल में किसी भी उसमें गीजर का कोई यूज़ नहीं किया गया, इन्होंने पूरा अपना वाटर प्लांट लगाया हुआ है जो हॉट करता है, ठंडा करता है, गर्म पानी, ये सारी किसी भी तरह का फॉर्मेट में चाहिए आपको मिल जाएगा। और मैं देख पा रहा हूँ किसी भी रूम में आपने कोई एक्सटर्नल एसी वगैरह यूज नहीं किया, उसके लिए एसी वेंट दिए गए हैं। तो हमारे यहाँ क्या एसी का भी अपना प्लांट बनाया हुआ है? एसी का पूरा प्रॉपर प्लांट है ये। आप जैसे कि बहुत से लोग जो नॉर्मल स्प्लिट यार्ड हुआ तो विंडो एसी लगा लेते हैं उस सर्दियों के लिए, गर्म गर्म हीट नहीं होते इसमें, सर्दियों में भी गर्म हीट देगा। अच्छा आप इसमें आप लोग अगर सर्दियों में भी अगर आपको ठंड लग रही है तो बिल्कुल आप ये हॉट कर सकते हो अपने रूम को एसी के थ्रू। और चलिए और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे होटल में और क्या क्या है। मुझे काफ़ी पसंद आया है ये वाला रूम। आपने एग्जीक्यूटिव रूम देखा और अभी हम विकास जी अभी कौन सा रूम देखने वाले हैं? अभी इसमें कितनी कैटेगरी है? अभी तीन कैटेगरी के रूम है। एक तो मैंने नॉर्मल दिखाया, हाँ आपने नॉर्मल कोई टेस्ट देना। और एक अपना था अभी मैंने 221 जो बाथटब वाला था, ठीक है। एक जो हमारी होटल की, हाँ और पूरी रोड की गए पूरे अपने आस पास के नियर बाई होटल हैं, हाँ हमारे होटल का बेस्ट रूम है। अच्छा, वो कभी भी उसकी ऑलरेडी बुकिंग लगी रहती है। अच्छा, उसका फैमिली उसमें ट्रिपिंग बैठे हुए, उसमें सबसे प्लस पॉइंट हमारे पास उसमें जगूजी है। उसका बाथरूम इतना बड़ा है जैसे कि और लोगों के रूम्स बड़े होते हैं, ठीक है। तो अभी ये कैटेगरी जो हम मिस कर रहे हैं जो जिसमें जगूजी वगैरह है और काफ़ी और इन्होंने फैमिली सूट कैटेगरी है अभी वो इनका ऑलरेडी बुकड है, तो उनके बारे में भैया थोड़ा डिटेल में बताए और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें जगूजी में? अपने फैमिली सूट में जैसे कि फैमिली है, फैमिली के ऊपर ट्रेवलिंग बेड शेयरिंग है, थ्री अकोमोडेशन है वो, ओके। उसका बाथरूम भी काफ़ी काफ़ी स्पेशल है, जितने लोगों के रूम होते हैं और लोगों के बाथरूम। और एक मेन जिस कैटेगरी से चक्कर में हमेशा वो बुक रहता है उसमें जगूजी है। जकूजी तो देख सकते हो आप, होटलों में मोस्टली जकूजी नहीं मिलता, लेकिन उसमें क्या आप बाथरूम में बहुत ही मजा आने वाला है जकूजी वगैरह आप लोग फील करना चाहते हो उस तरह की चीज़ों को। खैर मैं उस वीडियो को भी दिखा नहीं पाऊंगा वो खोने की वजह से, लेकिन उसकी क्लिप्स मैं वीडियो में डाल दूंगा इसमें बाद में शूट करने के बाद। चलिए अब चलते हैं नीचे और अभी क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग अभी। चलो सर अभी हमारे पास बैंकेट है, तो चलो सबसे बाद में हम लोग बैंकेट हॉल देखते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी लिफ्ट से तो चलिए अभी लिफ्ट से नीचे चलते हैं। इसमें प्रॉपर है बैंकेट राइट? हाँ थर्ड फ्लोर। अच्छा अभी हम लिफ्ट के अंदर तो लेके चलते हैं आपको बैंकेट हॉल की तरफ। तो ये बैंकेट हॉल देख सकते हो आप, कितना ही जबरदस्त इंटीरियर है इसका।
झूमर लगे हुए हैं चार चार, इसमें स्टेज दिया गया है सिटिंग के लिए, बहुत सारी कुर्सी दे रखी है और पूरा गोल्डन टच का फील देता है इसमें जो थीम है इनकी गोल्डन। और ये कुछ ये कर्टन देख लीजिए इनके, कुछ ये रॉयल फील कराते हैं आपको, इस तरह के ये हो जाते हैं बिल्डिंग्स। या पता नहीं क्या ही बोलूँ, विकासी और बेहतर बता पाएंगे इसके बारे में। सर ये कैसे है, ये क्या क्या चीज़ें यूज़ की हुई है इसमें, थोड़ा डिटेल में बताइए हमें। ये तो अपना टोटल विनियर पीयू हो रखा है इस पर पूरा टोटली। ओके, कोई भी पानी डाले या कुछ भी करे, कुछ भी टच करे, नो स्क्रैच, बिल्कुल तुरंत एक कपड़ा मारो तुरंत सफा। ये इसमें कितने लोग आ सकते हैं इस वाले ये अपने में? इसकी गैदरिंग है 100-125 की गैदरिंग है। अगर आप 100-150 लोग हैं आपके साथ और कुछ पार्टी वगैरह होने वाली है आपकी, तो इस बैंक्वेट हॉल में आपके लिए सफिशियंट रहेगा। और ये भी टोटल एसी होने वाला है आपका, इसमें भी प्रॉपर एयर कंडीशनर, ये पूरा कैसे सेंट्रलाइज किया गया है इसमें, ये सारी चीजें देख लीजिए, सेंट्रलाइज हो जाता है इसमें भी एसी पूरा का पूरा। और ये दिखा देते हैं आपको स्टेज वगैरह के बारे में, यहाँ पर ये स्टेज देख लीजिए, अगर कोई रिंग सेरेमनी या कोई प्रोग्राम कर रहे हो, कोई फंक्शन कर रहे हो, कोई इवेंट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वाले बैंक्वेट हॉल में प्रॉपर हो सकती हैं। आपने देख लिया जो भी बनाया, जिस तरीके से बनाया हुआ है। और ये अगर ये कुछ स्टॉल हैं जो हमारे, अगर आप बफे वगैरह रहता है तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, हो जाती हैं, यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो ये चीज़ें देख लीजिए आप लोग, ये काफ़ी स्पेस है, आप लोगों की अच्छे से पार्टी हो सकती है यहाँ पे। चलिए अब नीचे लेके चलते हैं आपको होटल के। हम आ चुके हैं होटल के बेसमेंट में, जहाँ भैया ने बताया एक और बैंक्वेट हॉल है, तो ये एंटर कर लेते हैं बैंक्वेट हॉल की तरफ। और वाओ, ये आप बैंक्वेट हॉल देख सकते हो यहाँ पर, और इसका थीम ऊपर वाले बैंक्वेट हॉल से थोड़ा सा अलग है। झूमर वगैरह वैसे ही मिल जाते हैं आपको, इनको भी थोड़ा अलग डिज़ाइन दिया गया है। और आप पहले इसको बना लेते हैं, देख लेते हैं। और सबसे चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगी, ये जो पिकॉक के साथ जो लाइटिंग की हुई है, एक बार यहाँ को जूम करके दिखाइए, ये काफ़ी कूल लग रहा है यहाँ पर, ये जो इफेक्ट दे रही है वॉल पर, ये काफ़ी अच्छे से हो जा। तो ये वाला बैंक्वेट हॉल आप देख लीजिए, और यहाँ पर बफे वगैरह के लिए स्टॉल लगे हुए हैं, कुछ चेयर्स वगैरह दी हुई है यहाँ पर भी। और विकास जी, ये अपने यहाँ दो दो बैंक्वेट हॉल कैसे, मैं किसी भी होटल में देख लिया दो बैंक्वेट हॉल मुझे नहीं मिला। ना वो आप दो बैंक्वेट्स लिए, हमारा ऊपर वाला कम गैदरिंग लोगों का, जैसे कम लोगों की कम फंक्शन है, कॉन्फ्रेंस होती है हमारे पास, कॉपरेटिव वाले हैं, हाँ होती है उसमें करा दी। और बड़ी गैदरिंग है 200 या 250 के करीब है, वो हमारे इसमें होती है, स्पेस भी उससे बड़ा है, हॉल भी हमारा टोटली उससे डिफरेंट है। तो आप देख ही रहे होंगे इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हो इसमें कम से कम 200 से 250 लोगों की गैदरिंग इसके अंदर हो सकती है। और ये भी टोटल सेंट्रलाइज एसी है इसके अंदर भी, और थीम भी देख सकते हो इसमें अच्छा अलग दिया गया वहाँ से। और जैसे मैंने बताया, मुझे फिर से बोलना चाहूँगा कि मुझे पिकॉक की जो थीम है, कलर कॉम्बिनेशन हो जाता है, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, यहाँ पर पसंद आए मुझे। और ये एक छोटा सा स्टेज देख लीजिए आप, यहाँ पर आप कोई फंक्शन हो रहा है कुछ ब्राइडल या ग्रूम के साथ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज हो सकती हैं। और इस साइड से हमारा डिनर वगैरह का कॉन्सेप्ट हो जाता है, ये लगा हुआ है यहाँ से। तो और इसका मैं देख, विकास जी इसका गेट क्या, दो साइड से क्या? दो साइड, एक तो मेन एंट्रेंस तो अपनी आउटसाइड से, बाहर से जो बाहर में अभी आपको एक थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है, बाहर से पूरी अलग है इसका मेन, ठीक है, अपना इसका अलग ही, दोनों बैंकेट है, उसके वॉशरूम भी अपने अलग है। अच्छा, तो इसका ये वॉशरूम भी यहाँ पर इन्होंने अलग अलग ही स्पेस बनाया हुआ है वॉशरूम वगैरह के लिए। इस बैंक्वेट हॉल में अगर आप कोई फंक्शन कर रहे हो तो ये वाला वॉशरूम यूज़ करोगे, और ऊपर वाले के लिए तो आप देख ही रखे हो अलग से। अब हम इससे बाहर हो लेते हैं, इसका एंट्रेंस आपको होटल के बाहर से ही मिल जाता है। तो अभी हम ये बाहर आ गए हैं होटल के, और ये गेट उन्होंने अभी टेम्परेरी बंद किया हुआ है, जब इसमें बुकिंग होती है तब ओपन कर दिया जाता है। अब हम नीचे से ही ऊपर होटल में जाएंगे रिसेप्शन पे। तो हम आ चुके हैं, धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ ये विकास, ये क्या मतलब फायर सेफ्टी? ये फायर सेफ्टी के लिए आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसा हुआ, ये फायर सेफ्टी के लिए पूरा, इसको बोलते हॉस्टल योगी आर आर एल। ओके, ये अपने इसको रोकने के लिए, बाल वगैरह के लिए पूरा पूरा सेटअप, हर फ्लोर पे हमारे पास ये भी लगा हुआ है, स्मोक डिटेक्टर भी है, आर आई भी है, जितने भी फायर के नोज के साथ में पूरा टोटली वर्क है। तो यहाँ पर इंटीरियर के साथ साथ जितना सुंदर बनाया गया उसके साथ साथ पूरा सेफ्टी का ध्यान भी रखा गया है यहाँ पर गेस्ट का। चलिए अब हम ये सारी चीज़ें देख ली, अब हम प्राइसिंग की बात करेंगे रिसेप्शन पर, और देखते हैं क्या क्या प्राइसेस हैं होटल के रूम्स के। तो अभी तक हम मिले थे विकास जी से, उन्होंने डिटेल में हमें सारी बातें बताई होटल के रूम्स के बारे में। अब हम आ चुके हैं रिसेप्शन पर, जो हम मिलते हैं, क्या नाम है मैम आपका? पायल। पायल मैम से बात करेंगे हम लोग प्राइसिंग वगैरह को लेके। तो मैम कितने से स्टार्टिंग हो जाती है अपने यहाँ रूम्स की? हमारे पास रूम की तीन कैटेगरी हैं, डिलक्स रूम, जकूजी, बाथटब एंड बाथटब।
अलग-अलग रूम के अकॉर्डिंग प्राइसेस हैं और सीजन के अकॉर्डिंग प्राइस चेंज भी होते रहते हैं। तो ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है, ये सीजन वाइज ये प्राइस की वैल्यू जो है अप एंड डाउन होती रहती है। ये तो रूम्स की बात हुई, ये किस लोकेशन में लगता है अपना होटल, क्या लोकेशन है इसकी? ये ताजमहल के पास है, सबसे बड़ी बात ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से ताजमहल का? 1 से 1.5 किलोमीटर का। तो यहाँ से आपको 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर आपको ताजमहल की डिस्टेंस मिल जाती है। और आगरा कैंट से कितना दूर रहता है? लगभग 5 से 6 किलोमीटर। तो 5 से अगर आप ट्रेन वगैरह से आ रहे हो तो सिर्फ आपको 5 से 6 किलोमीटर के अंदर ये आपको होटल मिल जाएगा। और मैम ये मेट्रो देख रहा हूँ यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये कौन सा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लगता है? सर ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आपको यहाँ पे TDI मॉल का जो मेट्रो स्टेशन है वो भी आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मिल जाएगा। तो इस होटल की सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।